नमस्कार फ्रेंड्स, सुशीलास किचन में आज बहुत ही स्पेशल कुछ बनने वाला है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान का बहुत ही ट्रेडिशनल मीठा केसरिया चावल। ये जो चावल है, ये मीठे चावल बनते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है इनका, खुशबू स्वाद का मिला जुला संगम होता है ये मीठे चावल। राजस्थान में किसी भी शुभ काम में, कोई ब्याह शादी हो या कोई और शुभ काम हो, ये चावल बनते ही बनते हैं। शुरुआत मीठे चावल से ही होती है। तो आइए हम बनाते हैं राजस्थानी मीठे चावल, केसरिया चावल। मीठे केसरिया चावल बनाने के लिए हमने एक ग्लास चावल को बॉईल किया और इसमें उसी के बराबर हमने चीनी भी डालनी है। तो चावल मीठे बनाने के लिए कढ़ाई में हमने एक टेबलस्पून घी लिया और उसमें हम डालेंगे ये चार लौंग, चार छोटी इलायची और एक टीस्पून हम सौंफ डालेंगे। ये देखिए, दो तेज पत्ते डालेंगे और हम इसमें टू टेबलस्पून हम पानी डालेंगे, टू टेबलस्पून पानी डाल देंगे और ये एक गिलास चीनी डाल देंगे। और ये देखिए, चीनी अच्छी तरह से पिघल जाएगी, चीनी हमारी घुल गई है। इसमें हम ये डाल देंगे केसर, केसर हमने भिगो के पीस रखा था और थोड़ा सा ये कलर है, मीठा कलर है ये। अब डालेंगे हम ये इलायची पाउडर। जितनी देर में हमारी ये चीनी पक रही है, हम ये थोड़े ड्राई फ्रूट घी में रोस्ट कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा घी है और इसमें हमने एक काजू डाले, बादाम डाले और ये पिस्ता डाल दिए। बस ये रोस्ट करके हम रख लेते हैं और हम राइस मीठे करेंगे जब, इसमें डालेंगे। चीनी हमारी अच्छी तरह से पक गई है, गैस को कर देंगे बंद और ये जो राइस है उबले हुए, इनको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये कोकोनट फ्लिक्स है, ये भी हम इसमें राइस में डाल देंगे और अब ये ड्राई फ्रूट भी हम इसमें मिक्स कर देंगे जो हमने घी में रोस्ट किए थे। ये राइस हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, केसरिया मीठे चावल। केसर, इलायची और ड्राई फ्रूट्स, इन सब से बने हुए हमारे ये केसरिया चावल, मीठे चावल आप सबको कैसे लगे? आप जरूर बना के देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।